Do you know about my app? It is Neela Bakore Tutorials. On this, I am conducting live interactive classes with doubt solving sessions and DPPs. The link is given in the description below, so don't forget to download. If you are not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. In this video, we will ECG. सी e, जी और इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो दो फुल फॉर्म्स मिलते हैं एक होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम और एक है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आई एम श्योर आपने ई सी जी का वो एक जो ग्राफ uh, पेपर आता है ऐसे स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर ऐसे कुछ वेव्स बनी हुई होती हैं। उसे हम बोलते हैं ई सी जी वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सो so, इसे हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल इसका मीनिंग है कि वो जो हमें ग्राफ दिखता है जिसमें पी क्यू आर एस टी वेवस वगैरह होती है वो एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है हमारे हार्ट की मसल्स में हमारे हार्ट की वॉल पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं और वो जो ग्राफ पेपर आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो मशीन है जिससे हम ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ so, ये मशीन है So, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ग्राफ लिखा है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बट ये उल्टा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है जिससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं अब वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा होता है एक ऐसा ग्राफिकल पेपर की स्ट्रिप होती है इसके ऊपर जैसे ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने होते हैं उसी तरह से इस पे भी रहेगा और इस पर हमें वो वेव्स दिखती है यहां पर हमें इस तरह से ये इस तरह से हमें वो लाइंस बनी हुई दिखती है सो so, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है अब्रीविएशन अगर हम लेंगे तो एक ही आएगा ईसीजी सी सो जो मशीन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और उस पर से जो रिकॉर्डिंग आएगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अब हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मतलब क्या हो रहा है हमारा हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब इसके लिए वो इम्पल्स ट्रैवल करता है ऐसे नोट से जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है सो so, जो इम्पल्स ट्रैवल करता है वो इन चार्ज के फॉर्म में ट्रैवल करता है अब यहाँ पर दो तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें स्टडी करना है सबसे पहले अगर हमारी मसल्स रिलैक्सड हैं रेस्टिंग कंडीशन में है सो so, मसल के बाहर की तरफ जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव और अंदर की तरफ जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव तो हम कहते हैं हमारी रेस्टिंग मसल बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिव है दैट मींस मसल के एक साइड पे एक चार्ज है दूसरी साइड पे ऑपोजिट चार्ज है तो ऐसी मसल को हम कहेंगे रेस्टिंग मसल और चार्ज के बेसिस पर ऑपोजिट चार्जेस हैं, सो इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड। पोलराइज अगर वर्ड पोलराइज यूज किया है इसका मतलब मसल रेस्टिंग है। अब जब स्टिमुलस आता है तो एक पोजीशन पर किसी भी जिस पोजीशन पर स्टिमुलस आएगा वहां पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी सो so अब हमारी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हुई मतलब यहां पर चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयन अंदर आ जाएगा बाकी जगह पर सेम है जैसा ओरिजिनल था और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहां पर एक्शन हुआ है इसका मतलब स्टिमुलस ट्रेवल हुआ है सो तो ये हमारी मसल का एक्शन है और यहां पर भी ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट चार्जेस है अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर की तरफ नेगेटिव बट ओरिजिनल से उल्टा हो गया है सो तो इसे हम कहेंगे डी पोलराइज्ड और फिर एक स्टेज आएगी जब ये करेक्ट हो जाएगा अपना वापस ओरिजिनल चार्ज पर आ जाएगा सो so यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये चार्ज यहां मूव हो गया यहां से यहां चला गया सो so इस जगह पर अब क्या हुआ है वापस ऐसी ही सिचुएशन आ गई है सो so इसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन इसका मतलब मसल फिर से रेस्टिंग कंडीशन में आ गई है अब कार्डियक साइकिल पर जाते हैं सबसे पहले क्या हुआ था ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऑरिकल पर स्टिमुलस ट्रेवल हुआ एक्शन हुआ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका मतलब उसे हम ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन लिख सकते हैं So, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके ऊपर जो चार्जेस जो स्टिमुलस रन होता है उसको जब हमारी मशीन डिटेक्ट करेगी तो वो डिटेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ कैसा ग्राफ बना ये यहां पर चार्जेस का एक्शन हमें दिखा तो ये जो हमें एक पीक मिल रहा है इसे हम कहेंगे पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है पी वेव यह रिप्रेजेंट करती है ऑरिक्यूलर सिस्टोल या इसे हम ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं ओरिक्यूलर डी पोलराइजेशन मतलब यहां पर ओरिकल्स पे एक्शन हुआ है ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके बाद एक हमें बड़ा पीक मिलेगा इसे हम लिखेंगे क्यू आर और एस तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज का मूवमेंट हुआ होगा इसलिए हमारे मशीन ने वो बड़ा पीक डिटेक्ट किया है यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर साइकिल ही स्टडी करना है पहले ऑरिक्यूलर सिस्टोल हुआ था फिर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल हुआ तो पी क्यू सॉरी क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स होता है इसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन या इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोल सकते हैं और जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब ऑरिकल्स रिलैक्स हो चुके थे ऑलरेडी अब उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे मतलब फिर से चार्ज का मूवमेंट हुआ है तो ये जो वेव है इसे हम कहेंगे टी वेव और टी वेव रिप्रेजेंट करेगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे डायस्टोल हमेशा जब भी हम इसी चीज स्टडी करते हैं तो हमें कार्डिक साइकिल के साथ में स्टडी करना चाहिए जब ऐसे नोड ने स्टिमुलस जनरेट किया तो सबसे पहले वो ऑरिकल पर स्प्रेड हुआ तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ कॉन्ट्रेक्शन हुआ मतलब उसके ऊपर एक्शन हुआ एक्शन किसके कारण हुआ जो स्टिमुलस आया था तो ये स्टिमुलस क्या है ये चार्ज है ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है सो so, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब डिपोलराइजेशन होगा मतलब जो नॉर्मल चार्ज है उससे रिवर्स हो गया उसके बाद में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जिसे हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा था जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल की मसल ठीक है बहुत ज्यादा चार्ज मूव होगा उसके ऊपर सो so, पीक हमें बड़ा मिलेगा इसे हम कहेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और इस टाइम पे ऑरिकल रिलैक्स भी हो चुके हैं सो so, हम ऑरिकल का जो रिलैक्सेशन है वो अलग से नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं उसका रीजन है कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है कुछ मूवमेंट हो रहा है ऑरिकल के रीपोलराइजेशन में और कुछ हो रहा है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन में बट वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन मतलब ब्लेंड तो हो जाता है और उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो रिपोलराइजेशन होगा तो ये पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव ये हमारा नॉर्मल ईसीजी बताता है अब अगर ये हमारा ईसीजी सी नॉर्मल नहीं आता है इसका मतलब कोई वेव शॉर्ट है या वेव ब्रॉड है तो उसके ऊपर से डॉक्टर्स इंटरप्रिट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है अगर हमारी बीट नॉर्मल नहीं है तो उसे हम कहते हैं ए रिदमिया हमारी रिदम जो हार्ट बीट की है वो नॉर्मल नहीं है सो ए रिदमिया अगर होता है इसका मतलब एक हो सकता है कि ऐसे नोट से प्रॉपर स्टिमुलस नहीं आ रहा है या लो इंटेंसिटी का आ रहा है इजली वो बीट जो है नॉर्मल नॉर्मल वो नहीं है और डिटेक्ट किस पर से करेंगे हम ईसीजी e पर करेंगे और इसके ऊपर जब डॉक्टर्स इंटरप्रेट करते हैं तो फिर वो एडवाइस करेंगे कि आपको पेसमेकर की जरूरत है या आपको कोई और मेडिसिन लेना चाहिए तो ये हमारी हार्ट रिदम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसे हम ईसीजी कहेंगे सो so, जब भी हम ईसीजी कहेंगे तो ये दो वर्ड्स आने चाहिए और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए हम दो नाम यूज कर सकते हैं सिस्टोल भी बोल सकते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं और पोलराइज डीपोलराइज रीपोलराइज ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये तीन चीज समझ में आएंगी तभी हमें पूरा ईसीजी समझ में आएगा सो so, ई मशीन दो तीन तरह की होती है एक बहुत छोटी सी मशीन होती है एक बहुत बड़ी वाली मशीन होती है अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं जो ईसीजी मशीन होती है उसमें से कुछ ऐसे कॉर्ड्स निकलते हैं, जिसे हम लीड्स बोलते हैं अब वो लीड्स कहाँ लगाते हैं लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर लेफ्ट हैंड के एंकल पर और चेस्ट में रिब्स के बीच में अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह की मशीन यूज कर रहे हैं लीड्स के नंबर अलग अलग हो सकते हैं बेसिकली वो लीड्स किस चीज में हेल्प करेंगी कि हार्ट के ऊपर जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ये इस कंडीशन्स में वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं और लीड्स उसको डिटेक्ट करती है और जो उसके अंदर सिस्टम है जो मशीन है वो उसकी नीडल होती है वो मूव करती है और उसके हिसाब से हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है सो so, ये ई है बट इसको पढ़ते टाइम हमेशा कार्डियक साइकिल के साथ में ही पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, जैसे ही टी वेव खत्म हुई इसका मतलब हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो खत्म हो गया सो so, ये हमारा ई है